ये नदी में खड़ी कर रखी है, ये बची आई। टोटल 6 गाड़ी है। तो भैया आप देख सकते हैं गंगा जी में हाथी पुल के पास से जाती हुई ये कार है। ये शमशान घाट के पास नदी में से बहती है। हरिद्वार में आफत की बारिश, नदी में तिनके की तरह बहने लगी गाड़ियाँ। नदियों और नालों में आया सैलाब, अचानक आए उफान से भारी तबाही। गाड़ियों को बहता देख लोगों के उड़े होश, कैमरे में कैद हुई खौफनाक तस्वीरें। नदी में सैलाब आया है, पानी की तेज लहरों के बीच गाड़ियां तिनके की तरह बहती चली जा रही हैं। एक दो नहीं बल्कि 10 से ज्यादा गाड़ियां नदी के उफान में बहती हुई नजर आईं। जल प्रलय की ये खौफनाक तस्वीरें धर्मनगरी हरिद्वार से सामने आई हैं। पहली ही बारिश में नदी में ऐसा सैलाब आया जो भारी भरकम गाड़ियों को अपने साथ बहा ले गया। मौके पर मौजूद लोगों ने जब इस भयानक मंजर को देखा तो वो खौफ से भर गए और इन तस्वीरों को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद कर लिया। दरअसल ये सभी कारें खड़खड़ी श्मशान घाट के पास बरसाती नदी में पार्किंग कर खड़ी की गई थी। तेज बारिश के बाद बरसाती नदी ने ऐसा उफान मारा कि ये कारें बहती हुई गंगा नदी में आ गई। देखते ही देखते कारें नदी में बहने लगी। कारें नदी में बहती चली जा रही थी और डरे सहमे लोग वीडियो बना रहे थे। गंगा में ये वही कारें हर की पैड़ी तक पहुंच गईं। कुछ गाड़ियां हर की पैड़ी के आसपास पुल के नीचे फंस गईं, तो कुछ क्षतिग्रस्त होकर आगे बह गईं। कारों के गंगा में बहने की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि इन गाड़ियों में लोग मौजूद नहीं थे, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। देहरादून का नंबर है गाइस, ये आपके सामने जाते हुए आप देखिए कार जा रही है हरिद्वार की गंगा जी में बहते हुए। पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि गाड़ियां उत्तरी हरिद्वार की सूखी नदी पर बने रपटे से बहकर आई हैं। दरअसल कई बार पार्किंग के पैसे बचाने के लिए लोग नदी के रपटे पर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। ऐसे में अगर सूखी नदी में अचानक पानी आता है तो गाड़ियां बहने लग जाती हैं। पहले भी कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। अब प्रशासन की तरफ से इन गाड़ियों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर भारत में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बादल जमकर बरस रहे हैं। ऐसे में नदियों का उफान पर आना लाजमी है। हमारी लोगों से अपील है कि नदी और उसके आसपास अपनी गाड़ियां खड़ी न करें, वरना ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है और जान माल का नुकसान भी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।